मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि तू उस किस्म की लड़की लगती नहीं है जो आर्मी ज्वाइन करने वाले लड़कों को डंप कर। नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आई नो टॉपिक थोड़ा सा पुराना है, बट गाइस ट्रस्ट मी, अभी भी बहुत सारे लोग इसको एडिट करना नहीं जानते हैं कि कैसे वो अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अलाइट मोशन से HDR CC वीडियो एडिट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं गाइस, बट कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में फिर से, और बहुत ही मस्त ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, और ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है जो नहीं जानते उसके लिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। एंड गाइस आप एक बार वीडियो को देख लो बस, और आपको देखने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक बार में ही सीख जाओगे और बहुत ही मस्त HDR CC वीडियो एडिट कर सकते हो अलाइट मोशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप एक कर देना। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके, अभी आपको सिंपली क्या करना है, अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब मेरा ओपन हो चुका है, अभी आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रेजोल्यूशन या फिर बोल सकते हैं रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 9:16 का सेलेक्ट करने वाला हूँ। देन यहाँ पर आपको अपना जो रेजोल्यूशन साइज है आप जितना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, FPS भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन गाइस यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, देन आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम एडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर प्लस का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर मीडिया दिख रहा है लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना मीडिया सेलेक्ट करना है जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अभी देख लो मैंने उस वाले वीडियो को कर लिया, यहाँ पर सेलेक्ट इम्पोर्ट हो चुका है। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, मैं अभी आपको सारा एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। बस आप कंसिस्टेंट बने रहो वीडियो में, क्योंकि एक बार से आप मिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, बाकी बात आपकी मर्जी। अभी आपको सिंपली क्या करना है, अपने वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आना है इफेक्ट्स पर, देन एड इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको क्लिक करना है अदर्स पर, देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल रैम RGB, इस पर क्लिक करना है। देन आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग करना है गाइस। तो कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, यहाँ पर आपको चार कलर्स टोटली दिखते हैं, पहला है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और चौथा क्या है गाइस पता नहीं। तो ऐसे कुछ आपको क्या करना है, रेड पर आपको यहाँ पर आर सेलेक्ट करने देना है। देन गाइस ग्रीन पे आपको यहाँ पर वाई कर लेना है, देख लो। अब गाइस यहाँ पर ब्लू पर आपको जी कर लेना है। तो कुछ ऐसा हो चुका इफेक्ट, देख लो आप गाइस। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से एरो पे क्लिक कर देना है ऐसे, देन आपको फिर से एड इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। अभी आपको आना है कलर्स पे, देन आपको यहाँ पर सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मिल गया, अभी इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है, देन इसका सेचुरेशन आपको जितना चाहिए उतना यहाँ पर बढ़ा लो आप। तो कुछ मैं इतना रखने वाला हूँ, अभी फिर से एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हमारा फर्स्ट क्लिप जो मेन क्लिप था। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अभी आपको रेक्टेंगल शेप एक लेना है, देन इसको आपको बड़ा कर लेना है, ऐसे फिट कर लेना पूरा। अभी आपको आना सिंपली कलर एंड फिल पर। अभी यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ये कलर दिख रहा है आपको, तो उसको ही सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आपको इसी कलर को सेलेक्ट करना है, कोई और नहीं सेलेक्ट करना, आपको सिंपली बैक आना है। देन यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। अभी गाइस पूरा वीडियो रेड हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, अभी हम सबको फिक्स करने वाले हैं। और गाइस ये बस एक प्रोसेस है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी बैक आते गाइस, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आना इफेक्ट्स पर, देन आपको आना है फिर से एड इफेक्ट पर। अभी सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, अदर्स पर फिर से आना है, देन आपको कॉपी बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर इसको अप्लाई कर देना है। अभी गाइस ये ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल, पूरा ब्लैक डार्क। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको लास्ट तक ले जाना है बिल्कुल, और यहाँ पर क्लिक कर देना है, देन ये वाला इफेक्ट, देन ये वाला लेयर फुल वीडियो में लग जाएगा। अभी आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर वाले लेयर पे, रेक्टेंगल पे। अभी फिर से इफेक्ट्स पर आना है, एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आना ब्लर पे, देन यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लर को सेलेक्ट कर लेना है। अभी स्टैंडर्ड सेटिंग को अप्लाई कर देना है, देन इस पर क्लिक करना है फिर से, और इसका स्ट्रेंथ आपको कर देना है 450 या फिर 500 तक कर सकते हो आप। अब मैंने यहाँ पर कर लिया 450 गाइस, देख लो कुछ ऐसा लग रहा है वीडियो, अभी अलग ही लग रहा है। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक बार इफेक्ट्स पर आना है, देन आपको एड इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। अभी आपको लाइट एंड कलर्स पर आना है, देन आपको एक्सपोजर एंड गामा को सेलेक्ट करना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसको आप स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना, देन आपको आप फिर से इस पर क्लिक करना है। अभी इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, आपको इधर माइनस की ओर के जाना है अप्रॉक्स 20, गामा को माइनस करना है अप्रॉक्स 900,
एंड इसका ऑफसेट भी कम कर लेना है अप्रॉक्स -10। गाइस इतना कर लेना, आपको कुछ ऐसा भी लग रहा है देखने में गाइस, देख लो। तो अभी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, अभी हम इसको फिक्स करने वाले। सिंपली आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फिर से एक रेक्टेंगल शेप लेना है, देन इसको कर लेना है पूरा फुल जूम, देन फिर से कलर एंड फील पर आना है। इस बार आपको इसको लेना है वाइट बिल्कुल। अभी इसको क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्लिक करके इसको लास्ट तक ले जाना है बिल्कुल। अब आपको सिंपली फिर से इस पर क्लिक करना है, देन आना है ब्लेंड एंड ओपेसिटी पर। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आना है कॉन्ट्रास्ट पर, देन इसको कर लेना है ओवरले। गाइस देख लो यहाँ पर जो लाइट भी कम्प्लीटली हो चुका है रिकवर। अभी मैं दिखाता हूँ इसको प्ले करके एक बार कैसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है गाइस। अभी आपको क्या करना है, अगर और भी ज़्यादा चेंजेस करना है, मान लो इसका सेचुरेशन इंक्रीज करना है, तो अपने मेन लेयर पे क्लिक कर लो, देन यहाँ पर आपको फिर से आना इफेक्ट्स पर, सेचुरेशन पर, और आपको जितना सेचुरेशन चाहिए यहाँ से आप कर सकते हो। इसका वाइब्रेंस बढ़ा लो अगर आपको कम लग रहा है, तो देन ये हो जाएगा। तो दिखाता हूँ गाइस फिर से फाइनल रिजल्ट कैसा है। तो गाइस देख लो यहाँ पर बहुत ही मस्त HDR CC इफेक्ट लग चुका है। तो गाइस पहले के कंपैरिजन में बहुत ही मस्त वीडियो लगने लगा, बहुत ही ज़्यादा HD लगने लगा। तो कुछ ऐसा अब आप भी एडिट कर पाओगे।